हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। ये इस वीडियो सीरीज़ का फाइनल और थर्ड पार्ट है, जिसमें मैंने फेस को शेड करने के लिए डोम्स की ग्रेफाइट पेंसिल का यूज़ किया है। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको फेस शेडिंग से रिलेटेड पूरी जानकारी मैं दे सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो फेस शेडिंग के लिए जो फर्स्ट लेयर ऑप्ट किया है, वो है HB पेंसिल की हेल्प से। यहाँ पे मैं फर्स्ट लेयर को ऑप्ट किया हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2B 4B और 6B पेंसिल को भी यूज़ किया है, बट वो मतलब जो मेरा रेफरेंस फ़ोटो है, मैंने उसको देख के ड्रॉ किया है। यहाँ पे कुछ लोग गलती ये कर देते हैं कि लाइट मिडिल टोन और डार्कनेस को अवॉइड कर देते हैं, वो सिर्फ एक या दो लेयर पे ही वर्क करते हैं, या एक लेयर में भी वर्क करके वो डार्क और लाइट दोनों शेड को लाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनका रिज़ल्ट थोड़ा सा रियलिस्टिक नहीं आ पाता, थोड़ा सा 2D दिखता है, और हमको चाहिए रहता है कि हम 3D शो करें। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि जब भी आप वर्क करें, मतलब शेडिंग से रिलेटेड आप जब भी वर्क करें, 2-3 लेयर आप प्रोवाइड करें, जिससे आपका रिजल्ट्स और अच्छे आपको मिले। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि हम जब भी अगर सिंगल लेयरिंग की हेल्प से हम शेड करते हैं, तो वहाँ पे हम या तो डार्क पोर्शन रहेगा, या तो एक सिंपल जो फर्स्ट लेयरिंग रहता है उसको हम मर्ज कर देंगे, या हम उसको ब्लेंड कर देंगे, तो वो एक बस स्किन टोन बस आ जाता है, वो डार्कनेस नहीं आता। जहाँ पे हमको डार्कनेस चाहिए रहता है, मिडिल टोन नहीं आता, एक सिंगल टोन आ जाता है और एक डार्कनेस आ जाता है बस, जिससे रिज़ल्ट थोड़े से ख़राब हो जाते हैं, और वो जो रिज़ल्ट हमको जो चाहिए रहता है वो हमको नहीं मिलता है। तो इसीलिए जब भी आप वर्क करें, लाइट से डार्क की तरफ जाए, और तीन से चार लेयर पर वर्क करें। अगर आपको लगता है कि तीन लेयर पर वर्क होता है तो बिल्कुल सफिशेंट हो जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दो से तीन लेयर में मैं वर्क करता हूँ, जिससे मेरे को रिज़ल्ट मिल जाते हैं। और यहाँ पे पेपर भी मैटर करता है, कि अगर आप कम GSM के पेपर लेंगे, तो अगर उस पर आप तीन लेयर से चार लेयर पे वर्क करेंगे, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो थोड़े से उसके जो पेपर के जो टेक्सचर हैं वो थोड़े से फटने लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए 170 GSM के पेपर यूज़ करें, जिससे आपको रिज़ल्ट अच्छा मिले, और आप जितना लेयरिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डार्क पोर्शन के लिए जो यूज़ किया है, वो 6B 8B और 10B, जो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, ब्लैक सा दिख रहा है, वहाँ पे मैंने इसी का यूज़ किया। और साथ ही साथ मैं ब्लेंड करते भी जा रहा हूँ, ताकि रिजल्ट्स हमें मिलते रहे, और मुझे जहाँ मुझे लगता है कि ज़्यादा डार्क करना है या ज़्यादा लाइट रखना है, वहाँ पे मैं लाइट के लिए जगह छोड़ दे रहा हूँ, और जहाँ पे डार्क लग रहा है वहाँ पे मैं थोड़ा डार्क करते चल रहा हूँ। यहाँ पे मैं जो पूरी ड्राइंग्स जो बनाया हूँ, मैं जो फर्स्ट पार्ट मैंने डाला था, जिसमें मैं रियलिस्टिक हाउ टू ड्रॉ रियलिस्टिक हेयर के बारे में बताया था, तो इसमें मैंने चारकोल यूज़ किया था, और बाकी सब में जिसमें रियलिस्टिक आइज़ का जो वीडियो था, उसमें मैंने डोम्स की पेंसिल ही यूज़ की थी, और अभी भी मैं डोम्स की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। मुझे काफ़ी अच्छे लगे, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स ये प्रोवाइड कर रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब भी आप वर्क करते हैं, तो कभी जल्दबाजी में काम मत कीजिए, जल्दबाजी से आपका रिजल्ट्स जो आप चाहते हैं वो मिलेगा नहीं, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, वर्क थोड़ा आराम से करना पड़ेगा। ये वीडियो मैं थोड़ा फास्ट इसलिए रखा हूँ, टाइम लैप्स इसलिए रखा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा है। ये वीडियो जो बना है, ये फेस शेडिंग का जो पार्ट है, वो मुझे 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास लगा है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं इसको रियल टाइम में आपको शो करूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लैप्स वीडियो को बनाया, ताकि आप चीज़ों को देख भी सकें, और मैं चीज़ों को आपको बता भी सकूँ कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो जिससे आपको हेल्प हो सके। तो कोशिश हमेशा यही कीजिएगा, मेरी तो यही एडवाइस है आप सभी को, कि आप जब भी लेयरिंग पे वर्क करते हैं, तो या शेडिंग पे वर्क करते हो, तो लेयरिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। डार्कनेस आप अच्छे से ऑब्ज़र्व कर लीजिए, कहाँ पे कितना डार्क है, कहाँ पे कितना लाइट है, उसके बाद आप वर्क कीजिए। उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब भी आप फ़ोटो को ऑब्ज़र्व करके ड्रॉ करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि कहाँ पे लाइट रखना है, कहाँ पे मिडिल टोन रखना है, कहाँ पे डार्क टोन रखना है, जिससे आपको हेल्प होगी कि आप कहाँ पे कितना वैल्यू को दे पाएंगे, कहाँ पे देना है, कहाँ ज़रूरी है ज़्यादा डार्क रखना, कहाँ लाइट रखना ज़रूरी है, जिससे आपको पता रहेगा, और आप ड्राइंग करेंगे तो ईज़िली वो ड्रॉ हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन
जैसे अगर आप ध्यान नहीं देते कि फोटो को आप अच्छे से ऑब्जर्व नहीं करते और आप ड्रॉ करने लग जाते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए जब भी आप ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले आप फोटो को, रेफरेंस फोटो जो है उसको थोड़ा अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए कि कहाँ पे कैसा टोन रखना है, जिससे आपको हेल्प हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ये चीज़ को, जिससे आपका फोटो जो रेफरेंस फ़ोटो है वो अच्छे से बने। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको जो थोड़ी बहुत जो नॉलेज दिया हूँ वो आपको हेल्पफुल हुआ होगा। तो अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।